आपको बताने जा रही हूँ दिल्ली की बहुत ही फेमस छोलों की चाट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। इसे आप बच्चों के टिफिन में या ऑफिस स्नैक्स में ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं छोलों की चाट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी बारीक चॉप हरी मिर्च, टमाटर, खीरा, उबला हुआ आलू जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, केला। इसमें अगर आप प्याज डालना चाहें तो प्याज भी ले सकते हैं, मैंने प्याज नहीं ली है। और जो भी सब्जी आप ले उसे बहुत ही फाइन काटना है। अगर आप मेरे से भी फाइन काट सकते हैं तो मेरे से भी फाइन चॉप कर लें उसको। मसालों में मैंने लिया है काला नमक, सफेद नमक और चाट मसाला, छोले, आधा नींबू, हरी चटनी और लाल चटनी। इन चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दे दी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं छोले की चाट बनाना। इसके लिए मैंने लिए हैं छोले, इसमें सब्जियां आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो उसमें मिर्च ना डालें। अच्छे चलाने के बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं, इसमें आपको खट्टा मीठा या फिर नमक मिर्च और डालना हो तो डाल सकते हैं। मीठी चटनी डाल ऑप्शनल है, अगर आप खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो मीठी चटनी डालिए, अदरवाइज आप इसमें नींबू का रस और खट्टी चटनी यूज करके इसे स्पाइसी बना सकते हैं। मार्केट में जो छोलों की चाट मिलती है वो बहुत ही स्पाइसी होती है और वो लोग इसमें प्याज यूज करते हैं। मुझे प्याज पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया है। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। और देखिए हमारी छोलों की चाट तैयार हो चुकी है, अब आइए इसे करते हैं सर्व। इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अनार, अगर आपके पास हल्दीराम का मिक्सचर है तो आप वो डाल सकते हैं, या कोई और नमकीन आपको पसंद है तो वो डाल सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास पापड़ी है तो पापड़ी भी लगा सकते हैं। और देखिए हमारी मार्केट से भी अच्छी छोलों की चाट घर पर बनकर तैयार हो चुकी है।